अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीवाना पागल कुत्ता बोलाना ता अगर आपको काट ले तो फिर उसका इलाज कैसे करें। तो आज हम बिल्कुल आसान घरेलू नुस्खा आपको दे रहे हैं, आप इसे अपने घर पे रख लेना। अगर कोई ज़रूरतमंद आए तो फिर उसको जो है आप उसका भला कर देना, उसको इस्तेमाल करा देना फ्री में ही और उससे दुआएं लेना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कामयाब है। कुत्ता कोई सा भी हो, चाहे वो बोलाना कुत्ता हो, जहरीला कुत्ता हो, कोई सा भी कुत्ता हो, ठीक है, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से जहर बिल्कुल फ़ौरन उतर जाता है। ठीक है, जहर दूर हो जाता है, बोलान नहीं होता और कुत्ते का काटा हुआ ठीक हो जाता है। तो आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर कुत्ता काट ले या किसी को कुत्ता काट ले तो आपको क्या लेना है? आपको लेना है शहद खालिस, प्याज का रस, ठीक है, और नमक, मगज़ अखरोट, ये बराबर वज़न ले लें, लेप कर लें। लेप करने के बाद आप जो है जहाँ कुत्ते ने काटा है वहाँ बांध दें। इसके बांधने से जहर उतर जाता है और कुत्ते का काटा हुआ ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत कामयाब नुस्खा मैंने आपको दिया है। इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाएं। चलिए, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।